फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवांशी मिशन। आज मैं बनाने जा रही हूँ डिजाइनर ब्लाउज। इसमें मैं आपको फ्रंट, बैक और रफल स्लीव्स तीनों एक ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों चीजें मैं बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है और ये लाइनिंग ली है और इसकी मैंने ये स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये नेट लिया है। मैं सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है, डबल फोल्ड करके रखना है। यहाँ पर मैं इसकी लेंथ लूंगी 13.5 इंच। मुझे यहाँ पर 12.5 इंच तैयार चाहिए, इसलिए मैं 13.5 इंच लूंगी। 1 इंच का मार्जिन देते हुए मैं इसमें 13.5 इंच लूंगी। शोल्डर लूंगी मैं 6.5 इंचेस। आर्म होल के लिए लूंगी मैं 6.5 इंचेस और मैं यहाँ पर चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 11 इंचेस। मुझे यहाँ पर 36 तैयार चाहिए, मुझे यहाँ पर चेस्ट की चौड़ाई 36 तैयार चाहिए, तो मैं इसके अंदर 36 में 4 को डिवाइड करते हुए 9 इंच के अंदर 2 इंच का मार्जिन देते हुए 11 इंच में इसकी यहाँ पर चेस्ट की चौड़ाई लूंगी। कमर की चौड़ाई यहाँ पर 28 है, 28 में मैं 4 का डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर आएगी 7 इंच। 7 इंच में 2 इंच का मार्जिन जोड़ते हुए मैं तो 9 इंच करूंगी और यहां से हम इसको मिला देंगे। 1.5 इंच से हम यहाँ पर इसको गोलाई देंगे, आर्म होल को गोलाई देंगे 1.5 इंच से। नेक की चौड़ाई लूंगी यहाँ पे मैं 3.5 इंचेस, 3 इंचेस इसकी लंबाई लूंगी और यहाँ पर हम चौकोर शेप देंगे इसको। अब यहाँ पर 1.5 इंच से हम इसको गोलाई देंगे ताकि इसके अंदर एक ब्रॉड नेक ये बन सके। ब्रॉड नेक तैयार है। अब हम नीचे से इसमें 4 इंच छोड़ेंगे, 4 इंच के और फिर इसके अंदर हम यहाँ से लेके यहाँ तक में हम इसमें कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गोलाई के अंदर इसमें ड्रॉ करूंगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम पहले इधर से इसकी कटिंग करेंगे। हम पहले इधर से इसकी कटिंग करेंगे, इनको नहीं करेंगे और अब हम इसको रखकर फ्रंट हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। इसको हमने बैक हिस्से को इस इधर ऐसे रख लिया है और अब हम इसमें फ्रंट हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। पहले फ्रंट हिस्से को हम ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर। ये हमने फ्रंट हिस्से की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसके अंदर हम इस हाफ इंच अंदर से लेते हुए इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक यहाँ पर हम 3.5 इंचेस लेंगे और लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंचेस। अब हम इसमें इसको गोलाई देंगे। मैं यहाँ पर फ्रंट हिस्से को प्रिंसेस कट बना रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर मैं 9.5 इंचेस बना रही हूँ और इधर से चौड़ाई लूंगी 3.5 इंचेस। यहाँ पर मैं लूंगी 6 इंचेस, 5 इंचेस और अब हम इसे इसको यहां से इस तरह से मिला देंगे।
और यहाँ पर मैं लूंगी 1.5 इंचेस, और इसमें भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की ये हुई, और इधर से हम इसको इस तरह से ले लेंगे, और ये हमने इसको इस तरह से यहाँ पर मिला दिया है। ये हमने इसके ऊपर यहाँ प्रिंसेस कट में ये ड्रॉ कर लिया है, और ये हमारी हमने नेक भी ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने प्रिंसेस कट कट कर लिया है इसके अंदर, और ये हमारी ये आगे का फ्रंट का फ्रंट के हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम बैक हिस्से की भी इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बैक हिस्से की भी कटिंग कर ली है। ये हमारा पूरा राउंड वाला नेक तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट हिस्से की भी कटिंग कर ली और बैक हिस्से भी की भी कटिंग कर ली है। अब हम इनकी कटिंग हमारे इस फैब्रिक के ऊपर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमने हमारे फैब्रिक के ऊपर हमने ये हमारी इसकी कटिंग हो गई, फ्रंट हिस्से की भी और बैक हिस्से की भी कटिंग हो गई। अब हम सबसे पहले हमारे बैक हिस्से को तैयार करेंगे। दोनों सीधे हिस्से तो बीच में आएंगे और उल्टे हिस्से ऊपर और नीचे आएंगे, और फिर हम चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। बाकी के बस इस हिस्से को छोड़ देंगे यहाँ पर, बाकी के यहाँ ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे, और बाकी के यहाँ पर हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा हमारे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है, हम इसकी कटिंग कर देंगे, और जहां जहां पर हमने सिलाई लगाई है वहां पर हम छोटे छोटे से कर्स लगा देंगे इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब जहां जहां पर हमने सिलाई करी है वहां पर हम छोटे छोटे से कर्स लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटे छोटे से कर्स लगा दिए। अब हम इसको फोल्ड करके और सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर चारों तरफ फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे, और ये जो हमने नीचे का हिस्सा खुला छोड़ा था इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से, और इसमें भी हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। और ये जो हमने ये हमारी गोल वाली जो ये हमने ड्रॉ करी थी शेप, ये गोल वाली, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगा ली है यहाँ पर, और ये हमने ये जो हमारी गोल शेप बनाई थी इसके अंदर भी हमने फिनिशिंग से लगा ली। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर ये गोल कटिंग कर ली है हमारी इस नेक की। अब हम इसकी कटिंग हमारे कैनवास के ऊपर करेंगे। इस कैनवास के ऊपर इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इस कैनवास की कटिंग हमारी इस लाइनिंग के ऊपर करेंगे। हम इसके ऊपर ये जो हमें इस तरह से यहां से इसको फोल्ड करते हुए चारों तरफ से, और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कैनवास को पट्टी लगा के तैयार कर दिया है। अब हम इसको कैनवास को यहाँ पर रखेंगे और फिर इसमें सिलाई लगा देंगे। इस कैनवास पर यहाँ पर हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम जहां पे हमने सिलाई लगाई थी वहां पे कट्स लगा देंगे। सब में मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब हम ये हमने जो कैनवास ये हमारी कैनवास है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी और ये हमारे बैक हिस्से को हमने तैयार कर दिया। अब हम फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। इसलिए फ्रंट हिस्सा लेंगे, सबसे पहले लाइनिंग लेंगे, लाइनिंग को तैयार करेंगे। लाइनिंग में हम इसको इस तरह से रखेंगे, और ये जो हमारे हिस्से हैं इसको हम यहां से सिलाई लगाएंगे। पहले लाइनिंग की हम यहां से इस तरह से यहां पर सिलाई लगाते हुए यहां से आएंगे, और पूरे में हम इस तरह से यहां तक सिलाई लगा देंगे पूरे में इसमें, और इधर की तरफ भी हमें इसको इधर से अटैच करना है।
यहां से अटैच करना है इसमें इधर और इधर हम दोनों तरफ इसमें अटैच करेंगे लाइनिंग के अंदर। और फिर हमें इसमें फैब्रिक के जो हमारी मेन फैब्रिक है इसमें भी हमें अलग से हम लाइनिंग में और मेन फैब्रिक दोनों में अलग अलग से अटैच करेंगे। इसमें भी हम इस तरह से यहाँ से अटैच करेंगे इधर की तरफ और इधर की तरफ, इस तरह से दोनों तरफ हमें इसको अटैच करनी है, लाइनिंग में अलग से अटैच करनी और फैब्रिक के अंदर अलग से अटैच करनी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर ये अटैच कर ली है दोनों तरफ से और इसमें भी हमने लाइनिंग के अंदर भी इस तरह अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, हमारे जो दोनों सीधे हिस्से हैं ये दोनों सीधे हिस्से बीच में आएंगे और ये दोनों उल्टे हिस्से हमारे ऊपर नीचे आएंगे और इस तरह से हम रखकर और हम पूरे के अंदर इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पूरे में चारों तरफ सिलाई लगा देंगे और बस ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको खुला छोड़ेंगे, बाकी के चारों तरफ हिस्से में हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है, अब हम इसको फोल्ड करके और सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया है, अब हम इसमें चारों तरफ फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे और ये जो हमने नीचे का हिस्सा खुला छोड़ा है इसमें भी हम फ्रंट बैक हिस्से की तरह दोनों तरफ से उलटकर और फिर इस तरह से पलटकर दोनों के अंदर यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देंगे और चारों तरफ भी हमें फिनिशिंग सिलाई लगा देनी है। ये हमने इसके लिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट का हिस्सा तैयार हो गया है, ये हमने यहाँ पर फिनिशिंग सिलाई भी लगा ली है चारों तरफ और ये हमारा हिस्सा तैयार है फ्रंट का। अब हम आई और हुक की करेंगे। आई हुक चाहो तो आप इसमें पीछे की तरफ बना सकते हो, बैक साइड में भी बना सकते हो और चाहो तो आप फ्रंट हिस्से के अंदर भी बना सकते हो। मुझे यहाँ डिमांड के हिसाब से मैं यहाँ पर फ्रंट हिस्से के अंदर इसके अंदर हुक वाली पट्टी लगाऊंगी और आई हुक वाला हिस्सा मैं बैक ये फ्रंट हिस्से के अंदर रखूंगी। आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग इसको बैक हिस्से के अंदर भी रख सकते हो, बस आपको जिस तरह से मैं ये फ्रंट हिस्से के अंदर कर रही हूँ इसी तरीके से आपको बैक हिस्से के अंदर करना है। इसको इस तरह उससे डबल फोल्ड करके और बीच में से कट कर लेना है इसको। कट करने के बाद में हम इसमें अंदर की तरफ ये दोनों हिस्से को हमें दोनों तरफ हमें इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है। इस हिस्से को यहाँ पर और इस हिस्से को यहाँ पर इस तरह से करके और हम इस पे सिलाई लगा देंगे और इस पे भी सिलाई लगाएंगे। दोनों के हिस्सों को अंदर की तरफ हमें फोल्ड करके और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, अब हम इसकी आई हुक की पट्टी तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आई हुक की पट्टी तैयार कर ली है, ये हमारी नई वाली पट्टी है। इसको हम इस तरह से यहाँ पर रखकर और इसके ऊपर हम ऐसे कैसे सिलाई लगा देंगे और ये हमारी हुक वाली पट्टी है जिसको हम यहाँ पर सिलाई लगा के और फिर इसको इस तरह से करके और अंदर की तरफ इसमें पूरी अंदर की तरफ हम ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आई हुक की पट्टी लगा ली है इस पर और ये हमारा फ्रंट हिस्सा पूरा तैयार है। अब हम इसके अंदर शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा बैक हिस्सा रखेंगे और उसके ऊपर हम हमारे फ्रंट हिस्से को रखकर और इसकी इस तरह से रखकर यहाँ पर और हम सिलाई लगा के और इसको अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लिया, दोनों तरफ से हमने हमारे इस शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और ये हमारा बैक हिस्सा और फ्रंट का हिस्सा दोनों हिस्से तैयार है। अब इसके अंदर सबसे पहले फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से दोनों हिस्सों को जैसे यहाँ से उल्टा रखे और इसमें इस तरह से यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, इधर भी और इधर भी हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा दी है। ये देखिए, ये हमने इसको ब्लाउज को फिटिंग कर दिया है। ये अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये हम यहां से इसको मेजरमेंट करेंगे। तो ये आया है यहां पर 5 इंच, तो हम 5 का आधा होता है 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच लेंगे। अब हम ये हमारी नेट लेंगे, फ्रिल की स्लीव्स बना रही हूं। इसके लिए हम ये सबसे पहले इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद में मैं ये वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। हम ये वाले इस हिस्से को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो है नेट है हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने एक्स्ट्रा नेट की कटिंग कर ली है और हम इसकी एक बार और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
अब हमारा आ रहा था 2.5 इंच, हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाया है, इधर भी हमने 2.5 इंच पर मार्क लगाया है और यहां पर हम इस तरह इसको गोलाई देंगे और इससे यहां पर हम लंबाई लेंगे इसकी 5.5 इंच। यहां पर इसकी फुल लंबाई है 5.5 इंच, तो हम चारों तरफ हम इसकी 5.5 इंच इसको नापते हुए इसकी गोलाई लेंगे। यहां से हम सबसे पहले 5.5 इंच करेंगे, 5.5 इंच पर हम यहां पर मार्क लगाएंगे इसके बाद में हम यहां आगे से फिर इसकी 5.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इसको यहां से हम गोलाई में मिलाएंगे। फिर हम इसमें आगे से यहां पे 5.5 इंच में इसमें मार्क में गोलाई में मिलाएंगे इसको यहां से। इस तरह से हमें पूरा इसको गोलाई की शेप में कट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको एक गोलाई दे दी है, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 इस तरीके की लेयर आ गई है। ये अब हम इसमें जो हमारी उल्टी साइड है ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी जो ये डिजाइन आ रही है ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। हम इस उल्टी साइड में इस तरीके से इसको फोल्ड करके और इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। हमें चाहो तो आप इसके ऊपर पिको भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फोल्ड करके और इसमें चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसमें पूरे में हमें ये दोनों स्लीव्स के अंदर 2 उल्टी तरफ हमें लेके और इसके अंदर हल्का सा इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके अंदर सिलाई लगा दी है, इनमें चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब मैं इस सिलाई को दबाने के लिए इसके ऊपर ये लेस अटैच कर दूंगी, जिससे इसका डिजाइनर लुक भी आ जाएगा और ये हमारी सिलाई दब भी जाएगी। देखिए, मैं इस तरीके से इस लेस को ऐसे अटैच कर दूंगी तो इसकी सिलाई भी दब जाएगी और इसके ऊपर डिजाइनर लुक भी आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये लेस अटैच कर दी है, हमारी स्लीव्स के ऊपर ये लेस अटैच कर दी है हमने, जिससे हमारी ये इसकी सिलाई भी दब गई है और इसमें डिजाइनर लुक भी आ गया है। अब हम इसको हमारे ब्लाउज के अंदर अटैच करेंगे। अब हम हमारा ब्लाउज लेंगे, हम इसके अंदर इसको अटैच करेंगे। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ये उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से इसको इस तरह से रखते हुए और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो फिर ये सीधे होने के बाद ये इस तरह से आएगी, इस तरीके से आएगी। हमें इसको इस तरीके से उल्टे रखते हुए और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इसमें स्लीव्स के यहाँ पर चारों तरफ और फिर ये इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स आ जाएगी। सबसे पहले हमें इसे कच्ची सिलाई लगा के हाथ की सिलाई से इसको अटैच करना है। हमें इस तरीके से पूरे ब्लाउज में कच्ची सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा दी है और ये हमारी स्लीव्स तैयार है। इसी तरह से हमें इधर दूसरे हिस्से में भी हमें इसी तरीके से ये स्लीव्स बना के इधर भी इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ फ्रिल लगा ली, इधर भी फ्रिल वाली स्लीव्स लगा ली, इधर भी लगा ली है। ये हमारा बैग डिजाइन तैयार है। चाहो तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें यहाँ से कट करके इसके अंदर डोरी अटैच करूंगी। मैंने ये गोल्डन कलर की डोरी ली है, मैं इस गोल्डन कलर की डोरी को यहाँ पर कट करके इसमें लगाऊंगी। यहाँ पे यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और ये डोरी हम इसके अंदर यहाँ पर लगाएंगे। हम इसको यहाँ से डोरी लगा के और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाने, हम इस तरफ और इस तरफ ये दोनों ये डोरी यहाँ पर एक इधर लगानी है और एक इधर लगानी है। इस तरह से हम ये डोरी लगा देंगे और
मैं इसको थोड़ा सा और डिजाइनर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लेस ली है और मैं इस लेस को यहाँ से लगाते हुए यहाँ पर लगाऊंगी और पूरे इसको इस तरह से यहाँ पर गोलाई में लगाते हुए यहाँ तक लगाऊंगी और आगे फ्रंट के हिस्से के अंदर भी लगाऊंगी। यहाँ पर फ्रंट के हिस्से में भी मैं ये लेस अटैच करूंगी यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये लेस अटैच कर दी है और मैंने ये डोरी भी लगा दी है और डोरी पर मैंने यहाँ पर ये लटकन भी बना दी है। ये देखिए, ये हमारा पूरा ब्लाउज डिजाइन तैयार है। ये देखिए, और ये मैंने आगे भी इसके यहाँ पर ये लेस लगा दी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रंट में भी लेस लगा दी है और यहाँ पर मैंने इसमें बैक में भी लेस लगा दी है और ये हमारी पूरी डिजाइन तैयार है। ये मेरा पूरा ब्लाउज तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा ब्लाउज डिजाइन अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।